आपकी आवाज। मेजर आशीष के पानीपत से बिंझौल गांव तक आंखरी यात्रा, सड़क किनारे तिरंगा लेकर लाइन से खड़े रहे स्कूली छात्र। मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में जुटे लोग, लगाए भारत माता की जय के नारे, अमर शहीद आशीष के जयकारे। पानीपत के गांव बिंझौल में मेजर आशीष का अंतिम संस्कार सेना के दस्ते ने दी आखिरी सलामी। मोहाली के मुल्लांपुर गांव पहुंचा कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर, बड़ी संख्या में लोगों ने कर्नल को दी श्रद्धांजलि। कर्नल मनप्रीत की आखिरी विदाई में हजारों की भीड़, तिरंगा लेकर पहुंचे लोग, भारत माता की जय और कर्नल की जय के लगे नारे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शहीद कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष को उन्होंने दी श्रद्धांजलि। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए शहीद। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए राइफलमैन रवि को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि, लोगों ने नम आंखों से किया विदा। अनंतनाग के कोकरानाग में आज भी एनकाउंटर जारी, जंगल को सुरक्षा बलों ने घेरा, क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से आतंकवादियों पर नजर। अनंतनाग के जंगल में गुफाओं में छिपे आतंकी, ड्रोन से ठिकानों पर बरसाए गए बम, हेरोन ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। कोकरानाग की पहाड़ियों में लश्कर के आतंकवादी उज़ैर अहमद खान के छिपे होने की खबर, तीनों अफसर की शहादत के लिए जिम्मेदार। अनंतनाग मुठभेड़ में एक और जवान शहीद, 3 दिन से जारी एनकाउंटर में 3 अफसरों समेत 4 लोगों के शहीद होने की खबर। मेजर आशीष की शहादत पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, माँ बाप का जवान बेटा हुआ शहीद, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन के बाद अब हिंदी पर अटैक, देश के महज 4-5 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा बताया। उदयनिधि ने गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी दिवस पर दिए संदेश पर किया पलटवार, लिखा अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को प्रांतीय भाषा कहकर उनका अपमान करना बंद करना चाहिए। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने हिंदी को देश को जोड़ने वाली भाषा मानने से इनकार किया, कहा केवल 7 राज्यों में बोली जाती है, 22 राज्यों में हिंदी की कोई भूमिका नहीं। टीकेएस एलंगोवन ने गृहमंत्री अमित शाह पर गैर हिंदी भाषा बोलने वालों के अपमान का आरोप लगाया, कहा हमारी अपनी भाषा है, हम पर हिंदी थोपने की वजह क्या। एक्टर प्रकाश राज ने भी किया अमित शाह पर अटैक, लिखा आप हमसे हिंदी बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ हिंदी बोलते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हिंदी की किसी भारतीय भाषा से नहीं स्पर्धा, सभी भाषाओं को सशक्त करने से देश होगा मजबूत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर वार, कहा सनातन परंपरा को मिटाना और खत्म करना इनका लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा हर सनातनी को विपक्ष से रहना होगा सतर्क, इनके मंसूबों को मिलकर करना होगा खत्म। इंडिया अलायंस का काम सनातन को कोसना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। पीएम के बयान पर बोले प्रियांक खड़गे सनातन को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, 3,500 साल से जीवित है, आगे भी रहेगा। पीएम मोदी के बयान से साफ कि वो इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के बयान पर नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का पलटवार, कहा पद की गरिमा का रखना चाहिए ख्याल, बीजेपी के पास धर्म के सिवा और कोई मुद्दा नहीं, सनातनी है, हिंदू है, बस यही चल रहा है, शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्वाड़ का बयान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस को सनातन पर शर्म आती है, इसलिए इसे खत्म करना चाहते हैं। सनातन का विरोध इंडिया अलायंस का मुख्य एजेंडा, अगले चुनाव में सभ्यता की लड़ाई, असम सीएम हेमंत बिस्वा का बयान। दूदू में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रियांक खड़गे सनातन की बीमारी से कर रहे तुलना, कांग्रेस और सीएम गहलोत दें जवाब। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सनातन धर्म को टारगेट करना बेहद दुखद, जनता इन अधर्मियों को माफ नहीं करेगी। सनातन पर हमलों पर बोले यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लोकसभा चुनाव में पहले देश का माहौल खराब करने की साजिश। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर फिर उठाए सवाल, कहा ग्रंथों के अंदर पोटेशियम साइनाइड जैसी चीज। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्षी गठबंधन पर अटैक, कहा सनातन धर्म खत्म करने वाला धरती पर नहीं हुआ कोई पैदा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हम 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, बाकियों पर भी जल्द करेंगे। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर अटैक, कहा चुनाव के वक्त आते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, बाद में हो जाते हैं गायब। भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला के साथ जिलाध्यक्षों की अलग अलग मीटिंग। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया विहिप, 18 से 22 सितंबर तक सदन में मौजूद रहने को कहा। संसद को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया विहिप, सूत्रों के हवाले से खबर। विशेष सत्र पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, दुर्भाग्य से संसद में राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। संसद के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद अनंतनाग मुठभेड़ का मुद्दा उठाया, संजय सिंह ने दी जानकारी। रामपुर में आजम खां के घर आईटी की रेड जारी, तीसरे दिन भी सबूतों की तलाश में जुटी आयकर की टीम। ईसीआई ने एनसीपी के नाम चुनाव चिन्ह पर होगी सुनवाई, अजीत पवार ने कहा हम चुनाव आयोग में रखेंगे अपना पक्ष। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बीजेपी की बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की अगुवाई, केसीआर सरकार का किया विरोध। कावेरी विवाद पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हमारे लिए पानी छोड़ना मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी।
टीवी एंकर्स ब्लैकलिस्टिंग पर बोले डीएमके नेता एलंगोवन, झूठ फैलाना, धोखा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। कांग्रेस चीफ खड़गे का डेमोक्रेसी डे पर ट्वीट, लिखा आज लोकतंत्र पर हो रहे हमले, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये देश के हित में है, एक साथ चुनाव से बचेगा पैसा और वक्त। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू ने झाड़ा पल्ला, कहा ये इंडिया गठबंधन के विचार नहीं, टीआरपी पाने के लिए दिया बयान। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू का कोई हाथ नहीं, सीआईडी ने दर्ज किया झूठा केस, टीडीपी प्रवक्ता ने सबूत किए पेश। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश पंडाल बनाने की मांग, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर अनुमति देने की मांग की। हुबली में म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधायक महेश तेंगी नाकाई शामिल, ईदगाह मैदान में गणेश पंडाल बनाने की मांग। तमिलनाडु में कलाई नागर महिला स्कीम लॉन्च, सीएम स्टालिन ने बांटे एटीएम कार्ड, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। पुणे के शुगर इंस्टीट्यूट वर्किंग कमेटी मीटिंग में नहीं पहुंचे अजीत पवार, दूसरी बार बैठक में नहीं हुए पवार शामिल। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई स्थगित, अब 4 अक्टूबर को होगी मामले में सुनवाई। कोलकाता भोपाल मुंबई समेत कई शहरों में ईडी की रेड, कैश ज्वेलरी समेत 417 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का डेटा अब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर होगा मुहैया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐलान किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया पारदर्शिता और जवाबदेही का नया दौर, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों की रियल टाइम जानकारी हासिल कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से जोड़े जाने पर पीएम मोदी ने की चीफ जस्टिस की तारीफ, कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इंजीनियर्स डे पर पीएम मोदी का वीडियो ट्वीट, सर एम विश्वेश्वरैया को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में आईएसए स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट, सीएम योगी का संबोधन, कहा आज दिल्ली से पटना सिर्फ 10 घंटे दूर। कूनो नेशनल पार्क में अब 15 चीते, सभी चीतों में लगाए गए रेडियो कॉलर, सैटेलाइट से की जा रही निगरानी। कूनो नेशनल पार्क में रेडियो कॉलर से नहीं हुई किसी चीते की मौत, प्रोजेक्ट चीता चीफ एसपी यादव ने किया साफ। वामन खां की गिरफ्तारी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का बयान, एमएलए भी करेगी गलती तो कानूनी कार्रवाई होगी। नूह डीसी की जनता से अपील, लोग घरों में ही अदा करें जुमे की नमाज, 2 दिन बंद रहेगा इंटरनेट। हरियाणा के गुरुग्राम में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन, सेक्टर 44 के रमांडा होटल में छापेमारी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में आज भी रेस्क्यू जारी, 12 लापता बच्चों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर। रेस्क्यू पर बोले एनडीआरएफ के कमांडर, हमारी टीम कल से ही नदी में कर रही सर्च, हादसे वाली जगह से आगे भी खोजबीन। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन आम्रपाली बिल्डिंग में हादसा, लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत। आम्रपाली बिल्डिंग में काम के दौरान बड़ा हादसा, कई मंजिल ऊपर से अचानक गिरी लिफ्ट, बिसरख थाना इलाके की घटना। आंध्र प्रदेश के अन्नामाया में दर्दनाक हादसा, जीप से ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 11 घायल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भी हादसा, सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकराई एम्बुलेंस, 4 लोगों की मौत। हरिद्वार में नदी के पानी में फंसी नेपाल से आ रही बस, पुलिस ने 53 यात्रियों को रेस्क्यू किया, बस से निकलेगी एसडीआरएफ। गुजरात के अरवली में एमएलए पीसी बरंडा के घर चोरी, बदमाशों ने पत्नी को बंधक बनाकर लूटा सोना चांदी और कैश, पुलिस जांच में मामले की जुटी। यूपी के कौशाम्बी में जमीनी विवाद में 3 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से वारदात को दिया गया अंजाम। ट्रिपल मर्डर से ग्रामीणों में गुस्सा, आरोपियों के घरों समेत कई दुकानों में आग लगाई गई, पुलिस को शवों को ले जाने से भी रोका गया। पटना में 400 रुपये के विवाद में 2 गुटों में जमकर गोलीबारी, मौके पर ही 3 लोगों की हत्या। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नया फरमान, बिना बताए स्कूल से 3 दिन से ज्यादा गैर हाजिर रहने वाले छात्रों का नाम काटने का निर्देश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पूर्णिया के कई सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, छात्रों को उपस्थिति को लेकर लैब क्लासरूम समेत कई जानकारियां मांगी। पूर्णिया के सरकारी स्कूल में मुख्य सचिव के आदेश पर कटे 30 छात्रों के नाम, जबकि स्कूल में कमरों से लेकर बाकी चीज़ों की भारी कमी। अररिया पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, अलग अलग विद्यालयों का दौरा किया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए गए कई निर्देश, स्मार्ट क्लास को भी लिया गया जायजा। भागलपुर में जगदीशपुर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सुविधाओं की कमी, छात्राओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, दिक्कतें दूर करने का दिया आश्वासन, स्कूल में टॉयलेट टेबल बेंच डेस्क की भारी कमी। भागलपुर में नाथनगर में उर्दू प्राइमरी स्कूल में दूसरा स्कूल भी अटैच, एक कमरे में चल रही 1 से 5वीं क्लास की। चित्तौड़ में विद्यालय के प्रार्थना सभा के बाद छात्रों के भारत माता की जय के नारे लगाने पर विवाद, कार्यवाहक प्रधानाचार्य इब्राहिम कुरैशी पर छात्रों से मारपीट का आरोप। ग्रामीणों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया, उपखंड अधिकारी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को किया निष्कासित।
पूरे मामले में मंगवाई गई जांच रिपोर्ट। घटना के बाद इलाके में आक्रोश। हापुड़ के एक स्कूल में हिंदू छात्रों की राखी उतरवाने और देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला। स्कूल के कुछ टीचर्स पर आरोप लगा। पीड़ित बच्चों के परिजनों ने विरोध जताया। जांच में जुटी पुलिस प्रशासन। आरोपी अध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। उत्तराखंड के खटीमा में आवासीय स्कूल में दर्जियों पर नाप लेने के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस हिरासत में ले जाते समय दर्जियों की चप्पल से पिटाई की गई। मौके पर छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल पर एक हफ्ते तक मामले को दबाए रखने का भी आरोप लगाया। विद्यालय के 3 सदस्यों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। पूरे मामले की जांच जारी। डूंगरपुर में युवती से समुदाय विशेष के युवकों द्वारा छेड़छाड़ के बाद बड़े तनाव पर काबू। आसपुर और बनकोटा में धारा 144 लागू। पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। बदमाश पर 20,000 का था इनाम। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध को रोका गया। पुलिस का पीछा करने पर की फायरिंग। जवाबी एक्शन में घायल हुआ बदमाश। असम के हैलाकांडी में पुलिस ने 15 फर्जी काजी को किया गिरफ्तार। सभी पर नकली कागजात बनाकर बाल विवाह कराने का आरोप। मिजोरम के चंपाई जिले में 237 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर अरेस्ट। 20 साबुन केस में 1.5 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। श्रीलंका की नेवी ने 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। 3 बोट जब्त की। मछुआरों ने केंद्र और राज्य सरकार से छुड़ाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बाद जलजमाव। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। प्रभावित इलाकों से पानी निकालने का काम जारी। पंपिंग सेट की मदद से पानी निकाला जा रहा है। गाजियाबाद के मकनपुर में बारिश के दौरान बिजली गिरी। 14 साल की बच्ची की मौत। कई घायल। सीसीटीवी में कैद घटना। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। हापुड़ में भी मौसम में अचानक करवट ली। कई इलाकों में हवा के साथ तेज बारिश हुई। यूपी के गोरखपुर में वायरल बुखार का प्रकोप। भारी संख्या में अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीज। केरल के कोझिकोड में एक और शख्स ने निपाह वायरस की पुष्टि की। अस्पताल में क्वारंटीन है बीमार व्यक्ति। कर्नाटक सरकार ने निपाह वायरस पर जारी किया सर्कुलर। केरल के प्रभावित इलाकों में ना जाने की सलाह दी। ओंकारेश्वर में एकात्मता की मूर्ति आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का 18 सितंबर को होगा अनावरण। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा का सीएम शिवराज ने वीडियो शेयर किया। लिखा, पूरे देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण क्षण। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी समिति की हुई बैठक। मीटिंग के दौरान अभेद्य सुरक्षा बनाने के लिए चर्चा की गई। यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक भी हुए शामिल। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा की कमान संभालेंगे एसएसएफ के जवान। 280 जवानों की 3 कंपनियां पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय ने राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर साझा की। बेहतरीन नक्काशी को दिया जा रहा है फाइनल फिनिशिंग टच। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर का रिपेयर का काम पूरा। एएसआई ने निरीक्षण में मिले छोटे क्रैक्स को ठीक किया। महाराष्ट्र के नासिक जेल में कैदियों ने गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई। जेल में बनी मूर्तियों की है भारी डिमांड। असम के गोलपारा में परंपरागत फिशिंग महोत्सव। मछुआरों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण शामिल। गांधीनगर में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई पीएम मोदी की रेत की मूर्ति। G20 चंद्रयान 3 की भी कलाकृतियां। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी मुश्किलें। बेटा हंटर बाइडेन टैक्स चोरी और हथियार की खरीद मामले में दोषी करार दिया गया। यूक्रेन का बखमुत शहर और उसके लिए अभी भी संघर्ष जारी। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर जमीन पर फिर से कब्जा करने का दावा। ड्रोन से कई इलाकों पर रखी जा रही है नजर। अमेरिका जाएंगे यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की। राष्ट्रपति बाइडेन से युद्ध में हेल्प पैकेज पर करेंगे चर्चा। 37 संस्थाओं पर बैन लगाएगा अमेरिका। रूस के ऊर्जा उत्पादन में विस्तार और निर्यात क्षमता बढ़ाने वाली कंपनियां शामिल। लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में हिंसक झड़प का दौर जारी। 7 की मौत 24 घायल। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेवियर माइली के खिलाफ मार्च। माइली की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर विरोध जताया गया। फिलिस्तीन विवाद पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने महात्मा गांधी को याद किया। कहा, गांधी के विचार ना भूलें, हम धर्म के आधार पर हिंसा के खिलाफ। यूएन में शांति अहिंसा पर विशेष कार्यक्रम। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हुए शामिल। कहा, संघर्ष के वक्त शांति की ज्यादा प्रासंगिकता। लीबिया में डैनियल तूफान से डरना शहर पूरी तरह से तबाह। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। डरना शहर के मेयर ने जताई 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। अभी तक करीब 5,000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। लीबिया में लोगों को बचाने में जुटी एम्बुलेंसेज और अलग अलग एजेंसियां। इमारतों के मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी। दूसरे देशों से भी मिल रही है एजेंसियों को मदद।